हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा लेसन 4.2 उनके उनके टिम्पेटो इसका आगे का हिस्सा सीख रहे हैं। लास्ट पीरियड में हमने देखा कि रोहन और मुख नाम के दो फ्रेंड रहते हैं। उसमें से रोहन जो है उसका बर्थडे आने वाला है और बर्थडे पे उसने अपनी मदर से टेबल टेनिस सेट मांगा, लेकिन मदर ने उसे कहा कि इस ईयर उनको पॉसिबल नहीं है। फिर उसका फ्रेंड मुख उसे यहाँ पर एडवाइस देता है, एक बात बताता है कि उसके कज़िन ने उसे बताया है कि अगर रात को 12 बजे बनियान ट्री के अराउंड उनके मुंके टिम्पेटो ऐसा बोलते हुए 17 टाइम्स अगर राउंड लगाएंगे तो जो कुछ भी विश हम मांगते हैं वो पूरी होती है। रोहन इस बात के लिए पहले तो तैयार नहीं होता, लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे तो यहाँ पर टेबल टेनिस सेट चाहिए, इसीलिए वो ये काम करने के लिए तैयार होता है। फिर उसके बाद में जाना कहाँ पर है, मींस बनियान ट्री कहाँ पर है, तो उसे याद आता है कि मिसेस ग्रूवर जो उनके नेबर हैं और जो उसके स्कूल के लास्ट ईयर तक प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो उसे याद आता है कि उनके घर के गार्डन में एक बनियान ट्री है। उसकी हिम्मत नहीं होती वहाँ पर जाने की, लेकिन फिर भी वो डेयरिंग करता है। फिर वो मुख को भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ वहाँ पर चलो। दोनों फ्रेंड्स जो है फिर आधी रात को मिसेस ग्रूवर के गार्डन में उस बनियान ट्री के राउंड लगाने के लिए चले जाते हैं। तब वहाँ पर जाके रोहन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और वो कहता है कि अगर मिसेस ग्रूवर इस टाइम पर जाग गई तो क्या होगा। मुख उसे समझाता है कि ये गोस्टली अवर है, मीन्स ये भूतों का टाइम है और इस टाइम पर कोई भी नहीं जागता, और वो यहाँ पर रोहन को अपना काम करने के लिए कहता है। आगे का हिस्सा हम सीखेंगे। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड चैंटिंग उनके मुंके टिम्पेटो, आई विश माई विश इज कमिंग टू ओवर एंड ओवर अगेन। फिर रोहन जो है उसने अपनी चांटिंग शुरू की, उसने उनके मुंके टिम्पेटो आई विश माई विश इज़ कमिंग टू कि मेरी विश पूरी हो रही है ऐसा बोलते हुए वो बार बार चक्कर लगा रहा था। आई फेल्ट अ बिट स्केयर्ड, फिर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। दैट वॉज वाई आई टायर्ड टू गेट इट ओवर क्विकली एंड इनक्रीज माई स्पीड, उसे डर लग रहा था कि कहीं पर मिसिस ग्रूवर्स जो है वो जाग ना जाए, वो वहाँ पर आ ना जाए, इसीलिए फिर वो कैच करना चाहता था कि क्विकली अपने इस काम को, मीन्स 17 टाइम्स जो इसे यहाँ पर कहा गया था कि रनिंग करते हुए बोलना है, तो वो काम जल्दी फिनिश करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। आई इंक्रीज द चैंटिंग टू, जैसे उसने अपनी रनिंग की स्पीड बढ़ाई वैसे उसने अपनी चैंटिंग की भी स्पीड बढ़ाई। एंड ऑल द व्हाइल आई वेंट ऑन लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द नाइट, और उसके बाद तब उसे वहाँ पर अंधेरे में जो साउंड सुनाई देते हैं वो सुनाई देने लगे। अ क्रैकल हियर अ स्विश देयर, यानी कुछ आवाज़ें उसे वहाँ पर रात के अंधेरे में सुनाई देने लगी। सडनली अ फेरोसियस बार्क टोअर एंड स्टिलनेस ऑफ द नाइट आई फ्रोज इन साइड मिसेस ग्रूवर्स हाउस, लाइट फ्लैश्ड ऑन एंड द बैक डोर्स वॉज पुश्ड ओपन। जैसे ही वो अपने राउंड पूरे कर रहा था, चैंटिंग कर रहा था, तब अचानक से उसे जो भी वहाँ पर स्टिलनेस था, रात के अंधेरे का जो साइलेंस था, उस साइलेंस में अचानक उसे कुछ तो भी आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम फ्रॉज हो गया, बहुत घबरा गया। फिर उसने देखा कि मिसेस ग्रूवर्स के घर में, उनके जो घर है उसके घर में, उनके घर में उसे लाइट चमकते हुए दिखाई दिया, मीन्स किसी ने तो भी लाइट लगाया था, और थोड़ी ही देर में उनका बैक डोर जो है जो गार्डन की तरफ खुलता था वो खोला गया। हु इज़ देयर कॉल्ड मिसेस ग्रूवर, आंसर और आई विल सेंड द डॉग एट यू। और फिर थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुलने के बाद थोड़ी ही देर में उसे वहाँ पर उन्हें मिसेस ग्रूवर की आवाज़ सुनाई दी। मिसेस ग्रूवर पूछ रही थी कि वहाँ पर कौन है, उन्होंने कहा कि मुझे आंसर दो कौन है वहाँ पर, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर डॉग को छोड़ दूँगी। मुख आई मम्बल्ड से समथिंग, तो रोहन घबरा गया और उसने मुख से कहा कि कुछ तो भी बोलो। बट मुख वॉज क्लाइंबिंग अप द ट्री, लेकिन मुख जो है वो ट्री के ऊपर चला गया। When I saw Mrs. Brewer bend down to unleash the dog,
आई प्लीडेड प्लीज डोंट सेंड द डॉग एट अस आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इफ यू लेट मी। जैसे ही रोहन ने देखा कि मिसेस ग्रूवर उस डॉग को उनके ऊपर छोड़ने के लिए नीचे झुक गई है, डॉग को उनके ऊपर छोड़ने की कोशिश कर रही है, तब उसने प्रार्थना की, उसने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ डोंट सेंड द डॉग एट अस, हमारे ऊपर कुत्ता डॉग जो है उसे मत छोड़ो। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इफ़ यू लेट मी, अगर आप मुझे कुछ बोलने की परमिशन देंगे तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। स्पीक आउट सून मिसेस ग्रूवर शाउटेड, तो मिसेस ग्रूवर ने कहा कि जल्दी से बोलो क्या बोलना है। आई टोल्ड हर एवरीथिंग आई फियर्ड शी माइट नॉट बिलीव मी, फिर रोहन ने सब कुछ यहाँ पर जो मुक ने उसे बताया था वो सारी बातें वहाँ पर उसने मिसेस ग्रूवर को बताई और उसे डर लग रहा था कि शायद मिसेस ग्रूवर उसकी बातों पे भरोसा नहीं करेगी। बट शी लिसन टू मी विदाउट इंटरप्शन, लेकिन बीच में मेरी बात को बिना काटे हुए मिसेस ग्रूवर ने मेरी बातें सुनी। शी जस्ट लुक्ड एट मी विद द हार्ड लाइट ग्रीन आईज ऑफ हर्स एज इफ शी वॉज ट्राइंग टू सी राइट नाउ राइट इन टू माई हार्ट, और फिर उन्होंने अपने ग्रे ऐसे आईज से कुछ देर मेरी तरफ ऐसा देखा कि जैसे मुझे वो लग रहा था कि वो मेरी मन की बात, मेरे मन में क्या चल रहा है ये सब जानने की कोशिश कर रही है। सो शी आस्क फाइनली एंड यू बिलीव इन उनके मुंके टिम्पेटो, फिर मेरा सब बताना होने के बाद में मिसेस ग्रूवर ने मुझे पूछा कि अभी फाइनली बताओ कि तुम जो कुछ भी ये कर रहे हो, यहाँ पर राउंड लगा रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ सच है, ऐसा हो सकता है। शी टर्न्ड सेइंग एंड व्हाइल लिविंग वुड यू माइंड यूजिंग द फ्रंट गेट, फिर उन्होंने कहा कि फिर ऐसा बोलते हुए वो टर्न हुई और उन्होंने कहा कि अब जाते वक्त तुम फ्रंट गेट से जा सकते हो। आई डिड फिनिश द रिमेनिंग 6 राउंड एंड लेफ्ट हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट, फिर मैंने अपने जो 6 राउंड बाकी थे वो भी मैंने 6 राउंड कंप्लीट किए और वहाँ से जाते वक्त फिर मैंने उनके घर का सामने का गेट यूज़ किया। आई स्वर दैट आई वुड नेवर रिटर्न, फिर मैंने कसम खाई कि इसके बाद मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। एंड देन द ग्रेट मोमेंट केम, फिर उसके बाद में जिस मोमेंट के लिए मैंने सब कुछ किया था वो मोमेंट आ गई। आई ओपन माई गिफ्ट्स रिजॉइस ओवर माई न्यू पेयर ऑफ शूज एंड द हैंड निटेड पुल ओवर, उसके बाद में मुझे मेरी मम्मी ने जो बोला था कि वो मुझे शूज़ के पेयर देंगी, वो पेयर मुझे मिले, मैं बहुत खुश हो गया मेरे गिफ्ट खोलते वक्त, और एक हैंड निटेड पुल ओवर भी मुझे मिला। एंड देन माई आईज फेल ऑन अ पार्सल अ बिग पार्सल, फिर मेरी नज़र जो है एक बहुत बड़े पार्सल पे चली गई। I had never received such a big parcel earlier. इसके पहले मैंने बर्थडे गिफ्ट में इतना बड़ा पार्सल कभी भी नहीं मिला मुझे। To Rohan Khanna, I read from उनके मुंके टिम्पेटो, उस पार्सल पे लिखा था To Rohan Khanna, यानी मेरा नाम वहाँ पर लिखा था और भेजने वाले का नाम from उनके मुंके टिम्पेटो ऐसा लिखा था। I stared at Mook and he looked as surprised as I was. मैं मुख की तरफ देख रहा था, जिसने भेजा है गिफ्ट उसका नाम मैंने पढ़ा और मैं मुख की तरफ देख रहा था, जितना मैं सरप्राइज था उतना ही मुख भी सरप्राइज हो गया। माय मदर आस्क हु इज उनके मुंके टिम्पेटो, इजंट दैट एन अनयूजुअल नेम, मेरी मदर ने भी फिर पूछा कि ये उनके मुंके टिम्पेटो कौन है, तुम्हें एक अनयूजुअल नाम नहीं लगता। यस आई सेड वेरी अनयूजुअल इंडीड, मैंने कहा हाँ ये बहुत ही अनयूजुअल ऐसा नेम है। आई वेंट ओवर द पार्सल एंड बिगैन टू अनपैक इट, फिर मैं उस पार्सल को खोलने की मैंने शुरुआत की। आई रिमूव्ड द स्ट्रिंग्स एंड द पेपर इम्पेशेंटली, मैंने वो स्ट्रिंग्स और पेपर बहुत ही जल्दी जल्दी इम्पेशेंटली खोल दिए। फाइनली आई रिमूव्ड द कलरफुल गिफ्ट रैपिंग एंड फाउंड अ टेबल टेनिस सेट, फिर मैंने रैपिंग किया हुआ बहुत ही कलरफुल ऐसा रैपिंग किया हुआ गिफ्ट मैंने खोला और मैंने देखा कि उसमें टेबल टेनिस सेट था। इट वॉज़ नॉट अ ब्रांड न्यू टेबल टेनिस सेट बट इट वॉज़ अ फेबुलस वन, वो एकदम ब्रांड न्यू ऐसा टेबल टेनिस सेट नहीं था लेकिन वो बहुत ही सुंदर था। वाव आई विस्पर्ड जस्ट वाव, मैंने वाव ऐसा कहा।
टिल टुडे मुख स्वेयर्स ही हैज नथिंग टू डू विथ इट। उसके बाद शायद रोहन ने राइटर ने रोहन ने यहाँ पर पूछा होगा मुख से कि क्या तुमने ये गिफ्ट मुझे दिया है या इस गिफ्ट मुझे किसने दिया है इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। तो मुख ने कसम खाई कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, एंड सो डू माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। आई वॉन्डर्ड इफ ओल्ड मिसेस ग्रूवर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरप्राइज। फिर मुझे थोड़ा ख्याल आया, मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मिसेस ग्रूवर जो है इन्होंने ही मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया होगा। आई वॉन्डर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं बहुत समय तक यही बात सोचता रहा। वन डे आई गैदर्ड अप ऑल द करेज आई पजेस एंड वेंट टू मीट मिसेस ग्रूवर। बहुत दिन सोचने के बाद में फिर एक दिन मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर मैं मिसेस ग्रूवर के घर में उनसे मिलने के लिए गया। आई यूज द फ्रंट गेट एंड रैंग द बेल, मैं उनके सामने के गेट में से गया और मैंने बेल बजाई। आई हैड गॉन ओवर माई लाइन्स 100 times, बट वेन शी लुक डाउन ऑन मी विथ हर पेल ग्रीन आईज आई फेल्ट माई हार्ट सिंक। मैंने बहुत बार रिपीट किया, मैंने वो लाइन याद की कि मुझे मिसेस ग्रूवर के घर पे जाने के बाद क्या बोलना है। कम से कम 100 times मैंने अपनी लाइन याद की, लेकिन जब मैं उनके सामने गया और वो अपने पेल ग्रीन आईज से उन्होंने मेरी तरफ देखा तब मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा घबरा गया। एंड माई करेज वैनिश, मेरी जो हिम्मत थी उनसे बात करने की वो पूरी ख़त्म हो गई। एंड ऑल आई कुड डू वॉज स्कटर लाइक अ इडियट, और फिर मैं जो कुछ भी मेरे मन में आ रहा था वो कुछ भी मैं बड़बड़ाने लगा। गुड आफ्टरनून मैडम, डू यू आई मीन डिड यू हैव यू सॉरी बट डू यू बिलीव इन उनके मुँह टिम्पेटो। यानी मुझे जो कुछ मैडम से पूछना था वो सारी बातें मैं भूल गया और कुछ भी मैं बड़बड़ाने लगा। मैं उनको बोलने लगा कि मेरा मतलब है आपको पता है सॉरी, क्या आप जानते हैं और क्या आप उनके मुँह के टिम्पेटो में भरोसा करते हैं। मिसेस ग्रूवर कंटिन्यूड टू लुक एट मी विथ अ स्ट्रेंज लुक इन हर आइज, बहुत ही स्ट्रेंज ऐसी लुक से, अलग ऐसे नज़र से मिसेस ग्रूवर मेरी तरफ कंटिन्यू देखने लगी। शी रिप्लाइड सॉफ्टली बट सीरियसली, उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट शब्दों में लेकिन सीरियसली मुझे आंसर दिया। यस आई डू बिलीव इन उनके मुँह के टिम्पेटो, उन्होंने कहा कि हाँ जैसे तुम्हारा इस बात पे भरोसा है वैसा मेरा भी उनके मुँह के टिम्पेटो पे भरोसा है। आई हैड विश टू हैव समबड़ी ओवर फॉर टी टूडे, मैंने कल ऐसी विश मांगी थी कि आज मेरे साथ यहाँ पर चाय पीने के लिए कोई आ जाए। एंड हियर यू आर, और देखो तुम आ गए। नाउ इजंट इट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ उनके मुँह के टिम्पेटो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उनके मुँह के टिम्पेटो का परफेक्ट ऐसा एग्जाम्पल है। शी स्माइल एंड शी लुक्ड सो डिफरेंट ऑलमोस्ट ह्यूमन, और वो हंसने लगी और उस वक्त तो मुझे जो स्कूल प्रिंसिपल थी उस हिसाब से वो बिल्कुल डिफरेंट लगी, एक अलग ही मुझे उनका रूप यहाँ पर देखने को मिला। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मुक एंड आई वेंट टू सी मिसेस ओल्ड ग्रूवर्स क्वाइट ऑफन, और उस दिन के बाद में मैं और मुक बहुत बार मिसेस ग्रूवर से मिलने जाते हैं। नॉट ओनली बिकॉज शी मेड द बेस्ट टी एंड हैड द बेस्ट कुकीज, सिर्फ इसके लिए नहीं कि वो बहुत अच्छी चाय बनाती है और कुकीज़ भी बहुत अच्छे होती है। नो वी वेंट बिकॉज वी लाइक्ड हर, लेकिन हम उनके घर पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है। एंड देन वी हैड वन थिंग इन कॉमन, और उसके बाद में हम तीनों में एक कॉमन थिंग भी है, वी ऑल बिलीव्ड इन उनके मुँह के टिम्पेटो, कि हम तीनों भी उनके मुँह के टिम्पेटो पे भरोसा करते हैं। वी विल सी द क्वेश्चन एंड आंसर इन अवर नेक्स्ट पीरियड।